हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया है क्योंकि आप इसे पहली बार करने वाले हैं, बट ये मत सोचना कि कुछ नया है तो मुश्किल होगा, इजी है। इसको आप ध्यान से सुनना। आज की जो वीडियो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। आज की वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को ईजी बनाने के लिए, ठीक है? तो आपने हर बात को ध्यान से नोटिस करना है एंड क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे करने के लिए। चलो हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फिर हम सीखेंगे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, एंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइक करें इस वीडियो को, अगर आप इस आपको समझ आता है और पसंद आता है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊं तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि मेरे चैनल पर नहीं है और आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट्स में लिखो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और इसी वीडियो में अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, एक नंबर्स की लिस्ट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे सामने क्या आया, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल के लिए एक और लिखा 100, 70, 40 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये भी एक और लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो ऐसे बहुत तरीके की लिस्ट बनाई जा सकती है, बट हर लिस्ट अपने आप में एक दूसरे से अलग हो सकती है। सो एक ऐसी क्वालिटी होगी जो उसमें अगर मिल जाए, उस लिस्ट में हो, तो हम बोलेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ लिस्ट है, ठीक है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है, ये देखते हैं। इसके लिए मैं दो तीन एग्जांपल और लिखती हूँ पहले। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -3, -2, -1, 0 एंड ... एक और मैंने लिखा 3, 3, 3, 3 एंड ... और मैंने एक और, चलो इतने से ही समझ लेते हैं। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपका कोई भी एक आपने टर्म लिया, जैसे फर्स्ट के अंदर मैंने 2 चूज़ किया और उससे पहले वाला टर्म लिया 1, मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 - 1, और आंसर आ गया 1। अब सपोज़ हमने इसको अब हमने क्या किया, एक और नंबर लिया 3 और उससे पहले वाला नंबर लिया 2। अब मैं इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करूँगी, 3 - 2, और ये आ गया 1। अब मैं इसी में एक और नंबर लूँगी 4 और उससे पहले वाला नंबर लूँगी 3 और इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी, 4 - 3 = 1। यानी कि जब भी मैं कोई नंबर लूँगी उससे पहले वाले नंबर को उसमें से माइनस कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। और हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि हमारा हर बार जो आंसर आ रहा है क्या वो सेम आ रहा है। तो इस केस में हमने देखा हमारा आंसर सेम है। जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो आप बोलोगे ये जो लिस्ट है ये एपी है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है वो क्या है, एपी, इसलिए मैंने इसको लगा दिया टिक, ठीक है। अब हम चेक करते हैं दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में मैंने 70 लिया और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 100, तो आया 70 - 100 और आंसर आ गया -30, ठीक है। ये माइनस साइन देख के घबराना नहीं है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। हमें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हर बार हमारा आंसर सेम है या नहीं है। तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। हमने किया 40, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 70, तो हमारे पास क्या आ गया, 40 - 70 और आंसर आ गया -30। आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा जो भी नंबर चूज़ करोगे उससे पिछले नंबर को माइनस करना है, उल्टा नहीं कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो, दोनों बार हमारा आंसर सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एपी।
अब हम थर्ड चेक करते हैं. थर्ड लिस्ट हमारी क्या थी? -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? -2, फिर हमने लगाया माइनस साइन और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -3. ये बहुत केयरफुल रहना, थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -2 -3 कर देते हैं. ये बिल्कुल गलत तरीका है इसको करने का. आपको -2 लिखना है, बीच में माइनस साइन लगाना है और फिर उससे पहले वाला नंबर लिखना है, और मैंने उसको सेफ साइड पर रहने के लिए ब्रैकेट में डाला. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे. -2 माइनस एंड माइनस मिलके बन गया प्लस, तो ये -2 +3 हुआ और आंसर हो गया +1. ऐसे ही अब हम दूसरा करेंगे. -1 यानी कि मैंने कौन से लिया, अब इस बार -1 और -2, ठीक है? तो -1 लिया तो माइनस साइन किया और इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया? -1 +2 और आंसर आ गया फिर से 1. तो हमने देखा हमारा आंसर इस बार भी दोनों बार सेम आ रहा है. तो ये भी क्या है? एक एपी है. तो एपी में आपको हर बार आंसर सेम आना ज़रूरी है. एक और लिस्ट देख लेते हैं. ये लिस्ट है हमारी 3 3 3 3. ओके, चलो चेक करते हैं. हम इस 3 में से इससे पहले वाला नंबर माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ गया 3 -3 इज इक्वल टू 0. इस बार हम इस वाले 3 में से ये वाला सब 3 माइनस करेंगे और हमारा आ गया 3 -3 इज इक्वल टू 0. तो हमने देखा हमारा आंसर अभी भी सेम आ रहा है. तो हमने ये नोटिस किया कि जो ये आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्शन के बाद, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन डिफरेंस. पहली बात तो ये डिफरेंस है क्योंकि इन दो नंबर्स को माइनस करने से आ रहा है. कॉमन वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि हर बार सेम है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है सेम, तो हम बोलते हैं ये जो लिस्ट है नंबर्स की, ये क्या है? एक एपी है. हम वापस से जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस जो था, सीडी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वो क्या आ रहा था? 1. इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा था -30. इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा था 1. चेक कर लेते हैं, 1 ही था ना? हाँ, 1 ही था, ठीक है. और फोर्थ केस में हमारा कॉमन डिफरेंस आया 0. तो हमने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कॉमन डिफरेंस क्या आया है, यानी कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है कि 0 आ रहा है. हमें किस बात से मतलब है कि वो हमेशा सेम आए, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कि एपी किसको बोलते हैं. ओके, सो हमने ये भी देखा, मैं फिर से एग्जांपल लिख देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारी एपी थी 100 70 40 10 एंड सो ऑन. यहाँ पर ये जो नंबर्स थे, ये सारे क्या हैं? इनको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है? यानी कि 100 इसका फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म. 70 इसका सेकंड टर्म है. 40 इसका थर्ड टर्म है और 10 इसका फोर्थ टर्म है. ऐसे ही आगे चलते जाएंगे. तो ये सारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स. तो अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो आपका आंसर क्या होगा? लिस्ट का पहला नंबर. इसमें से अब मैं ये हटा देती हूँ और मैं लिखती हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म. तो आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया एपी क्या होता है और फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है. अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ करो, क्योंकि उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्टेंट बना पाऊँ और आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक. अब हम पढ़ेंगे, हमने मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया है, हमने फर्स्ट टर्म भी पढ़ लिया है और कॉमन डिफरेंस भी पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी, ठीक है? फाइनाइट मतलब जिसके टर्म्स लिमिटेड हों. इनफाइनाइट मतलब वो एपी चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही है. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला, ये मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, पेज नंबर 96 पर ये एग्जाम्पल्स हैं. पेज 96, अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो आप साथ साथ रेफ़र भी कर सकते हो,
पेज 96 एग्जाम्पल नंबर ए। यहाँ पे एग्जाम्पल है हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली। अब आपके स्कूल में कोई मॉर्निंग असेंबली हो रही है तो आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे, आप उन्हें काउंट कर पाओगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि इतने स्टूडेंट्स खड़े हैं कि काउंटिंग ही ख़त्म नहीं होगी। तो इस केस में ये जो लिस्ट बनेगी, जो हाइट की लिस्ट बन रही है, इन्होंने दिए हैं 147, 148, 149, डॉट 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 157, यानी कि मे बी 10, 12, 15 जितने भी, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, बट इतने स्टूडेंट्स हैं कि वो काउंट किए जा सकते हैं। तो ये जो एपी बनी है ये फाइनाइट है, ध्यान से देखो ये एपी है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1, सो ऑन। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1 है और ये एक एपी है, और क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो इसमें नंबर्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हो, ये फाइनाइट है। किस तरीके की है ये? फाइनाइट, फाइनाइट एपी। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे एक महीना लिया गया जनवरी, और जनवरी में हर दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब जनवरी में जो नंबर ऑफ डेज हैं क्या वो इतने हैं कि आप कभी उनको ख़त्म ही नहीं होंगे? 31 ही तो हैं। तो ये कैसी एपी आएगी बिना ये देखे कि क्या रिकॉर्डिंग आई है? अगर आपको पता है ये एपी है, सिर्फ ये बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट, आप बोल सकते हो कि हमारी जो एपी है फाइनाइट है, क्योंकि ये मंथ ऑफ जनवरी के ऊपर ही बनाई गई है। फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ एपी लिख देती हूँ। इस केस में जो टेम्परेचर आया है -3.1, -3.0, -2.9, -2.8 एंड -2.7 एंड सो ऑन। मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर अ वीक, यहाँ पे जनवरी के एक हफ्ते का ही टेम्परेचर है, ठीक है, पूरे महीने का भी नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते का है। 7 रिकॉर्डिंग्स हैं, कितने रिकॉर्ड किए हैं, कितने डेज तक रिकॉर्ड किया है टेम्परेचर को? ओनली फॉर 7 डेज। तो ये फाइनाइट है, और आप एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो कि ये एपी है भी या नहीं। तो इन दोनों को कॉमन डिफरेंस निकालो, -3, -3.1, तो क्या आ गया? -3 + 3.1, सो आंसर आ गया 0.1। अब इन दोनों का निकालो, -2.9 - -3.0, -2.9 + 3.0, एंड ये आंसर आ गया 0.1। ठीक है, तो हमने देखा ये भी एक एपी है, एंड क्योंकि इसमें सिर्फ 7 रिकॉर्डिंग थी, 7 नंबर ऑफ टर्म्स थे, ऐसे हम मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे 7 नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये क्या हो गई? फाइनाइट एपी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर इसमें तो सारे ही फाइनाइट एग्जांपल्स हैं, इन फाइनाइट के लिए ये वाली देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस की थी, वो थी -3, -2, -1, 0 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि ये एपी में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बट हमने इस पर डॉट 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 लगाया है। जैसे हम डॉट 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 लगाते हैं इसका मीनिंग ही यही होता है कि ये ख़त्म नहीं होगी। तो जैसे हम बोलते हैं ख़त्म नहीं होगी, तो ये क्या बन गई? इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो ये कैसा केस हो गया? इनफाइनाइट एपी। इसका मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एपी ली थी सारी, ये वाली, ये सब में डॉट डॉट है, देखो, सॉरी, सब में डॉट डॉट है, सब में डॉट डॉट है, तो ये सारी इनफाइनाइट एपी थी। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट टॉपिक। अब टॉप एपी, अब हम सीखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, अब हम करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। सपोज मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, सबसे इजी एपी यही है ना, अपने नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
सो हमने सीखा फर्स्ट टर्म होता है कुछ, हमने सीखा कॉमन डिफरेंस होता है कुछ. तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? वन. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपका आंसर होगा फिर से वन. क्यों? क्योंकि टू माइनस वन वन आ रहा है, थ्री माइनस टू भी वन आ रहा है, फोर माइनस थ्री भी वन आ रहा है. तो ये जो वन है वो एक्चुअली में यहाँ से आया है. ठीक है, आप इन दोनों वन को कन्फ्यूज़ नहीं करना. ये वाला वन और ये वाला वन अलग अलग जगह से आ रहा है, बेशक से सेम नंबर है बट वह आ अलग अलग जगह से रहा है. मैं फिर से बता देती हूँ, ये वन आया यहाँ से और ये वन आया यहाँ से. पहले तो ये समझना है. अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट टर्म को हमने एक सिंबल दिया, हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया और हमने इसका नाम रख दिया ए. जब भी आपको इस चैप्टर में स्मॉल ए लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म है. कॉमन डिफरेंस को हमने रखा डी, स्मॉल डी. ठीक है, सो ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं अभी शॉर्ट में सी डी लिख रही हूँ, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, आपने लिखना है स्मॉल डी. ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म कैसे, अब हम जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं. तो ये देखो, सपोज़ मैंने लिखा 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन. यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 100. और डी की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 70 यानी कि माइनस 30. एक बार मैं रफ में दिखा भी देती हूँ. डी की वैल्यू है 40 माइनस 70 यानी कि माइनस 30, या फिर 70 माइनस 100 यानी कि माइनस 30. आपको अगर दो बार करके भी शक हो रहा हो ना कि ये इधर तो सेम आ रहा है आगे जाके नहीं आया, तो आप एक दो और ट्राई कर सकते हो. जैसे कि 10 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 30. मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने बताना है कि ए पी है या नहीं है, डाउट नहीं रहना चाहिए. तब हमें डी पता चल गया, ए पता चल गया. तो हमने देखा जो ए है वो तो 100 है. अगर मैं ए प्लस डी करूँ तो क्या बना मेरे पास? 100 माइनस 30 यानी कि 70 यानी कि सेकेंड टर्म. अगर मैंने थर्ड टर्म निकालना है तो मैं करूँगी ए प्लस 2D यानी कि ए प्लस 2 इंटू माइनस 30 यानी कि ए की जगह डाल देते हैं 100. ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस 60 यानी कि 40. तो ये हमारा थर्ड टर्म है. तो हमने नोटिस किया जब भी फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D होता है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D होता है. ऐसे ये चलता जाता है. कोई भी ए पी जो होगी उसका हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा, ए फिर ए प्लस डी. क्योंकि ठीक है, एक और एग्जांपल से बताऊंगी क्यों ऐसा हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and so on. तो देखो ये क्या है, ए. कॉमन डिफरेंस कितना है इस ए पी के अंदर? 5. देखो कॉमन डिफरेंस हमेशा 5 आ रहा है. तो आप इस 10 को लिख सकते हो ना 5 प्लस 5 यानी कि ए प्लस डी. ये तो डी है आपका 5. इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 2D. इसको लिख सकते हो ए प्लस 3D. तो हमेशा फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D. तो अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D. ऐसे चलता चला जाएगा ये सिलसिला. अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब यहाँ 1 होता है तो यहाँ पर 0 इंटू डी है, 0 है. जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि ये बेसिकली ए प्लस 1 इंटू डी है. जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है. यानी कि इस तरफ जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर कम होगा इधर. तो अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि
nth टर्म क्या है, nth टर्म, तो आप लिखोगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करवाऊंगी, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का एंड आपको चैप्टर थोड़ा पसंद आने लगेगा। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे ये nth टर्म क्या है और कैसे यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में नहीं समझ में आई है, आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है कि हमें ये डाउट है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको क्लियर करूँगी। बट अगर आपको जो भी फीलिंग आई है इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छा लगा, बुरा लगा, स्लो लगा, फास्ट लगा, प्लीज़ मुझे बताइए। इससे मुझे अपने आप को और अच्छा पढ़ाने में बहुत हेल्प होगी।